विराजे हैं गणपति, जहां कुछ स्टार्स डेढ़ दिन तक बप्पा की खूब सेवा करने के बाद उन्हें विदा कर चुके हैं, वहीं एक्टर काजोल श्रीवास्तव के घर में 5 दिन के लिए विराजे हैं विघ्नहर्ता। और आज काजोल अपने परिवार के साथ मिलकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ कर रही है मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना। इस बार का गणपति उत्सव काजोल के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस बार उनके बर्थडे के दिन भी उनके साथ गणपति हैं। और अपनी ये खुशी काजोल ने यूमियो टीवी के साथ शेयर की। बहुत स्पेशल है, बिकॉज मेरा बर्थडे इन दिनों पड़ रहा है और फैमिली और गणेश जी सब साथ में हैं, तो इससे अच्छा बर्थडे तो मना ही नहीं सकता आई थिंक हम लोग। तो आई एम रियली हैप्पी कि मेरे बर्थडे के हमेशा आसपास गणेश जी होते हैं, पर इस बार मेरे बर्थडे के दिन ही है यहाँ पर। काजोल, गणपति पूरे 5 दिन के लिए आपके घर पर आए हैं, तो शुभता के प्रतीक गणेश जी के आने से घर का माहौल कितना बदला है? आई कांट टेल यू, 5 डेज में ऐसा लगता कोई फेस्टिवल चल रहा है और सभी लोग आते हैं इन 5 दिनों में, तो सबसे मिलना भी हो जाता है। और जब तक पप्पा यहाँ पर होते हैं तो एक रौनक होती है घर पे। वही पापा उस दिन बोल रहे थे कि जब पप्पा यहाँ पर होते हैं तो एक अलग सी खुशी, अलग अलग सा माहौल होता है, और जैसे ही वो जाते हैं तो सीधा कोई फैमिली मेंबर जा रहा है और हम वेट करते हैं हर साल उनके आने का, तो एक बहुत अच्छा माहौल होता है घर पर। काजोल ने हमें अपने गणपति के बारे में भी बताया, साथ ही ये भी बताया कि वो गणपति को भोग में क्या क्या खिलाती है। जैसे कि मैं हर साल इको फ्रेंडली गणेश जी लेती हूँ, और मैं खुद भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना हिस्सा देना चाहती हूँ, हर साल मैं देती हूँ। तो हमारे जो गणेश जी हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए थोड़े हैवी होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज के वो इको फ्रेंडली हैं, तो नेचर को कोई नुकसान नहीं होता। और डेकोरेशन इस बार मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया है तो मैं इसके थोड़े सपोर्ट में नहीं थी, आई वाज लाइक मुझे कुछ और बनाना है, बट मम्मा इज लाइक कि मूर्ति लाल है तो डेकोरेशन कुछ ग्रीन होना चाहिए, तो हमने फंक्शन पेटल से लिया है। एंड ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं तो ये वेस्ट नहीं होंगे, हम कहीं लगा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये चूहे मूषक जी, जो हमने आई थिंक 3 ईयर्स पहले लिए थे, और हम हर गणेश जी में इनको रखते ही हैं, तो काफी प्यारे हैं, काफी क्यूट लुकिंग हैं, और बैंड बजा रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है कि घर पे सीनो फेस्टिवल वाला मौसम है, फील आता है काफी। तो और मेरी मॉम को प्रसाद में नारियल देने का काफी शौक है, तो हमने काफी नारियल से यहाँ पे रखे हुए हैं, तो अखंड दिया जलाया है, और दिन में 3 बार आरती होती है। मैं स्पेशली आपको आज का भोग दिखाना चाहती हूँ, जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रसाद में आप प्याज कैसे चढ़ा सकते हो, ये क्या चढ़ा सकते हो, बट मुझे लगता है आप जो भी दिल से चढ़ाओ एक्सेप्ट नॉनवेज, बप्पा उसे एक्सेप्ट करते हैं, और हम हर दिन कुछ अलग बनाते हैं। तो वो सभी लोग जो मुझे रोज पूछ रहे हैं डीएम करते हुए कि आप प्याज खिला रहे हो, आप ये खिला रहे हो, आप वो खिला रहे हो, जी हाँ हम सब खिलाते हैं उन्हें, क्योंकि मुझे लगता है आप सच्चे दिल से जो भी चढ़ाओगे वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आज मेरी बहन बहुत ही अमेजिंग कुक है, आप जानते हो, तो आज हमने प्रसाद में पप्पा की ये हाथ की रोटी मोटी वाली एकदम देसी खाना बनाया पप्पा के लिए आज, बैगन का भरता, चने, आटे का हलवा और चटनी और उनका पानी। सो जो लोग सोचते हैं कि प्याज मत चढ़ाओ, लहसुन मत चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं होता, आप जो दिल से चढ़ाओगे पप्पा एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपका मन साफ होना चाहिए, प्रसाद आप कुछ भी चढ़ा सकते हो। तो काजोल, इस बार आपने गणपति से क्या मांगा? मुझे बिना मांगे बहुत कुछ मिला है, एंड आई रियली थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता कि ये दे दो, हमेशा वो दे देते हैं। तो आप हर साल हमारे घर पे इतनी खुशियाँ लेकर आओ, हमें ऐसी अच्छे से हेल्दी रखो, जो आपने दिया है उसका कोई मोल नहीं है, तो थैंक यू सो मच इतना कुछ देने के लिए मुझे। वेल काजोल, हम दुआ करते हैं कि बिन मांगे सभी की मुरादें पूरी करने वाले मंगल मूर्ति आपकी भी मुरादें पूरी करें। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।